एफएम के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो एफएम के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल गैलरी एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों, सिंपल गैलरी एप्लीकेशन को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और ये एप्लीकेशन क्या है, तो सारी ए टू जेड जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ सिंपल गैलरी एप्लीकेशन के बारे में। तो इस एप्लीकेशन में आप किस तरीके से सिंपल पावरफुल आपको गैलरी एप्लीकेशन मिल जाती है, जिसमें यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हैं आपके फ़ोटोज़ को, वीडियोज़ को, यहाँ पर फोटो एल्बम एवरीडे यहाँ पर आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं सिंपल गैलरी एप्लीकेशन को, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बता देता हूँ। सिंपल गैलरी एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है कुछ इस तरीके से, और ये एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से सिंपल गैलरी एप्लीकेशन मोबाइल में ओपन हो जाती है। जैसी एप्लीकेशन ओपन होंगी आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा और एप्लीकेशन का लोगो दिखाई देगा। आपको कंटिन्यू टू ऐप पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दोस्तों कुछ इस तरीके से प्राइवेसी पॉलिसी दिखाई देंगी, आपको यहाँ पर इसको एग्री कर लेना है और एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे एक्सेप्ट और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको कुछ परमिशन देना है, जैसे आपके कैमरा की, मोबाइल कैमरा की, स्टोरेज की परमिशन दे देना है। जैसे यहाँ पर आप परमिशन दे देते हैं, परमिशन देने के बाद आप इजीली तरीके से इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ऐड दिखाई देंगी, ऐड को आपको देख लेना है। उसके बाद दोस्तों सिंपल गैलरी कुछ इस तरीके से ओपन हो जाती है। यहाँ पर आप रेटिंग दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एप्लीकेशन को और एप्लीकेशन की प्राइवेसी पॉलिसी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको गैलरी पर क्लिक करना है वन वाले ऑप्शन पर। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। आपके मोबाइल में यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं, गैलरी एडिट गैलरी का ऑप्शन दिखाई देता है, जिसमें आप यहाँ पर एडिट करना चाहे तो यहाँ पर आपको चूज़ करना है फोटोज़ को और यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं। दोस्तों फोटो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको क्रॉपिंग का ऑप्शन मिल जाता है। फोटो को आप क्रॉप करना चाहे तो ईजिली तरीके से क्रॉप कर सकते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप बैक साइड आएंगे, यहाँ पर आपको फ़िल्टर मिल जाते हैं। अलग अलग फ़िल्टर के साथ साथ यहाँ पर आप जो आपके फ़ोटोज़ को एडिट कर सकते कुछ इस तरीके से। फ़ोटो एडिटिंग आप आसानी से इसमें कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, फ़ोटो एडिटिंग के लिए भी एक ज़बरदस्त एप्लीकेशन होने वाली है ये, तो इसमें आप फ़ोटो एडिटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ़िल्टर मिल जाते हैं, इमोजी आप लगा सकते हैं, कुछ इमोजी आपको यहाँ मिल जाती है कुछ इस तरीके के, तो इमोजी भी आप लगा सकते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको टेक्स्ट आप लिखना चाहे तो टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों और भी आपको कुछ इस तरीके से इफ़ेक्ट मिल जाते हैं, नियॉन इफेक्ट, तो वो भी ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको लगाना है तो फोटोज़ में। तो इस तरीके से आप फोटो एडिटिंग भी इस एप्लीकेशन में कर सकते हैं। फ़ोटो एडिटिंग के लिए भी अच्छी एप्लीकेशन होने वाली है। फ़ोटोज़ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप फोटोज़ देख सकते हैं, जितने भी फोटोज़ है यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। व्हाट्सएप स्टेटस यहाँ पर दिखाई देंगे। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपकी गैलरी दिखाई देती है। यहाँ पर आप वीडियोज़ देख सकते हैं, जितने भी आपके मोबाइल के एल्बम में वीडियोज़ है वो यहाँ दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको दोस्तों कुछ इस तरीके से एक VPN का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप इंक्लूडेड मोड आपको ब्राउज़र मिल जाता है, तो ब्राउजिंग भी यहाँ पर आप कर सकते हैं इस तरीके से, जो ब्राउजिंग का भी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। बैक साइड आएंगे तो डायरेक्टली ईजिली तरीके से आप यहाँ पर जो यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो फैसिलिटी मिल जाती है डाउनलोडिंग की, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको दोस्तों और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर एडिट कर सकते फ़ोटो, फ़ोटो कॉलेज मेकिंग का ऑप्शन मिल जाता है, न्यू स्टिकर का और इमोजी स्टिकर का। तो दोस्तों यहाँ पर आप फोटो भी एडिटिंग कर सकते हैं सिंपल गैलरी एप्लीकेशन में।